एक बड़े आलिम थे, तो उनका जवान बेटा जो था वो बीमार हो गया। अस्पताल में लेकर गए उसको चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ उसको दाखिल कर लिया गया। कुछ देर वो दाखिल रहा, उसके तमाम टेस्ट वगैरह करते रहे, और फिर एक दिन उन्होंने बताया उस आलिम को कि आपका बेटा जो है वो बड़ी बीमारी में मुबतला हो गया, और बीमारी जो है वो भी एक ख़ास हद से ऊपर जा चुकी है। तो कुछ देर उन्होंने वहाँ रखा और फिर कहा कि ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे अपने घर पर लेकर जाएँ, जो इसने दवा यहाँ लेनी है वही घर पर लेगा। खैर वो उसको बोझल दिल के साथ घर पर ले आए, घर पर इलाज होने लगा। कहते हैं कि वो एक दिन सो रहा था, तो मैं उसके पास बैठ के किताब पढ़ रहा था। किताब में सदका की अजमत और फजीलत का बाब आ गया, मैं उसे पढ़ने लगा, और उस वक्त मुझे साथ साथ शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि मैं उस इलाज के साथ इसका सदका क्यों ना दे सका, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो। तो कहते हैं कि मैं साथ सदका क्यों ना दे सका। खैर रात काफ़ी बीत गई थी, उसके बावजूद वो उठे, कुछ रकम ली उन्होंने और घर से बाहर चले गए कि इस वक्त मुझे कोई मुफलिस और नादार मिले तो मैं उसको यह रकम दे सकूं, लेकिन उस वक्त कोई ना मिल सका। जब घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली पर उनकी नज़र पड़ी जो बीमार सी थी, लागर सी थी। उनके दिल में एक एहसास पैदा हुआ, घर के अंदर गए, एक बर्तन में दूध डाला और ला के उसके करीब रख दिया और खुद पीछे हट के खड़े हो गए। बिल्ली जो थी वो दूध पीने लगी। जब उसने दूध पी लिया तो ये जो थे आलिम ये अंदर गए और जाकर सो गए। कहते हैं कि जूं ही मैं सोया मेरी आंख लगी तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरा बेटा लेटा हुआ है और एक कौवा है मेरे बेटे के सर पे वो चूंच मार रहा है बड़ी तेजी के साथ। मेरा बेटा जो है वो बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा है। कहते हैं कि और इतने में मैंने देखा कि वही बिल्ली जिसको मैं दूध पिलाकर आया था वो भागती हुई आई है, उसने कौवे को गर्दन से पकड़ा और भाग गई। कहते हैं ये मेरी आंख खुल गई। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सुबह हुई, शाम हुई, तो मैंने देखा कि मेरे बेटे की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, उसकी सेहत बहाल होना शुरू हो गई। उसे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, उसको भूख लगने लग पड़ी है, वो आराम से सोने लग पड़ा है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दी, वो बेहतर हो गया। तो ये जो सदका है इसमें इतनी कुव्वत है कि ये फिक्र को, अंदेशों को, बीमारियों को दूर कर देता है। ये इलाज भी है, ये दवा भी है, और ये शिफा भी है, और ये दुआओं की कबूलियत का एक जरिया भी है, ये मुश्किलों से निजात का एक जरिया भी है, और ये फिर सदका जो है ये रिस्क में इजाफा करता है, उम्र में इजाफा करता है, इज्जत में इजाफा करता है, और नेकियों में इजाफा करता है। भाई को, दोस्त को, या किसी अजीज को देखकर मुस्कुरा देना, चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना भी सदका है। दो रूठे हुए दोस्तों में सुलह करवा देना भी सदका है, और दो इंसानों के दरमियान इंसाफ की बुनियाद पर फैसला कर देना भी सदका है। भटके हुओं को रास्ता दिखा देना ये भी सदका है, और अगर कोई कमजोर नजर वाला हो तो उसका हाथ पकड़कर उसे मंजिल पर पहुंचा देना भी सदका है। किसी रास्ते से कोई रुकावट हटा देना, या पत्थर उठा देना, या कांटा हटा देना ये भी सदका है। किसी मरीज की अयादत करके उसके पास बैठकर तसल्ली के दो बोल बोल देना भी सदका है, और बर्तन में परिंदों के लिए पानी रख देना या दूसरे बर्तन में दाना रख देना ये भी सदका है। और याद रखिए, जिन घरों से मखलूक खुदा को रिस्क मिलता रहता है, अल्लाह ताला उन घरों पर कभी रिस्क के दरवाजों को बंद नहीं फरमाता।